हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है, उदयपुर जिले की जिला स्तरीय समान परीक्षा व्यवस्था के तहत कक्षा नवी का जो वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसकी आंसर की यानी उसके उत्तर तालिका अपन देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कहाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 9 विषय इंग्लिश पूर्णांक 80, समय 2 घंटे 45 मिनट। तो ये वार्षिक परीक्षा 2021-22 का UDR लिखा हुआ है यानी उदयपुर जिले का प्रश्न पत्र है। अब इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है सेक्शन ए, और सेक्शन ए का पहला प्रश्न दे रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम, यानी पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उन प्रश्नों नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ अपन को एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इन पैसेज को पढ़ने के बाद अपनों को जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है अपना, वू वाज अल्बर्ट आइंस्टीन। पहला प्रश्न है अपना, वू वाज अल्बर्ट आइंस्टीन। पहला प्रश्न दिया गया है, वो वाज अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा अपने कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस। पहले का आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। हाउ वाज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, तो इसका आंसर भी अपन ने लिया है। तो देख लेते हैं दूसरे का उत्तर क्या होगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड ही वाज शाई सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड ही वाज शाई सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वाई डिड द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक हिम। तो क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर हो जाएगा, द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक्ड हिम, दे कंसिडर्ड हिम स्टूपिड एंड ट्राइड टू फ्लॉग सेंस इनटू हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक्ड हिम, दे कंसिडर्ड हिम स्टूपिड एंड ट्राइड टू फ्लॉग सेंस इनटू हिम व्हेन दे रियलाइज्ड दैट ही न्यू मोर अबाउट मैथमेटिक्स देन एनी ऑफ देम वुड एवर नो, दे डिसलाइक्ड हिम इवन मोर। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें से आपको जितना लिखे उतना आपको लिखना है। द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक्ड हिम, दे कंसिडर्ड हिम स्टूपिड एंड ट्राइड टू फ्लॉग सेंस इन टू हिम वेन दे रियलाइज दैट ही न्यू मोर अबाउट मैथमेटिक्स देन एनी ऑफ देम वुड एवर नो, दे डिसलाइक्ड हिम इवन मोर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो यह है कि फ्रॉम वेयर डिड आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। फ्रॉम वेयर डिड आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, तो इसका आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन रिसीव्ड द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स। वॉट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन कॉल्ड हिज टीचर्स नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। आइंस्टीन कॉल्ड हिज टीचर्स नॉन कमीशनड ऑफिसर्स, आइंस्टीन कॉल्ड हिज टीचर्स नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर विच वर्क इज आइंस्टीन बेस्ट नोन। फॉर विच वर्क इज आइंस्टीन बेस्ट नोन, तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उससे पहले पैसेज आया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, वी वांट प्योरिटी प्योर फूड। यहाँ से पूरा पैसेज शुरू हो रहा है और ये पैसेज पीछे तक चल रहा है। ये पूरा पैसेज अपन देख रहे हैं, प्योरिटी ऑफ बॉडी यहाँ से लगाकर ये लास्ट आ रहा है यहाँ तक, प्री सेंस ऑफ प्योरिटी, यहाँ तक ये पैसेज खत्म हो रहा है। और फिर इसके ऊपर 7वां प्रश्न आ रहा है, व्हाट डू वी वांट। 7वां प्रश्न है, व्हाट डू वी वांट, तो इसका आंसर हो जाएगा,
सातवें का उत्तर अपन ने लिखा है कि वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। तो इसका सातवें का उत्तर हो जाएगा वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। सातवें का आंसर अपन को ये लिखना है कि वी वांट प्योरिटी, वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। आठवां क्वेश्चन, वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। आठवें का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। आठवें का उत्तर हो जाएगा वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। यह आठवें का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, वॉट डू वी यर्न फॉर, वॉट डू वी यर्न फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वाई डू वी रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी, वाई डू वी रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा वी रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, वी रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो ये दसवें का उत्तर हो जाएगा। ग्यारहवां, वॉट आर प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, वॉट आर प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, वॉट आर प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। ग्यारहवें का उत्तर सीधा सा है प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, वॉट इफेक्ट डज प्योरिटी ऑफ माइंड हैव ऑन पीपुल, वॉट इफेक्ट डज प्योरिटी ऑफ माइंड हैव ऑन पीपुल। तो 12वें का आंसर अपन लिखेंगे प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डिड्स प्योर, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डिड्स प्योर, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डिड्स प्योर। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपुल, इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपुल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है अपना पेपर का सेक्शन बी है, और पेपर का सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 13 उसमें दिया गया है, उसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि सेक्शन बी, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, इमेजिन यू आर गंगा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल राजसमंद, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश। तो ये अपन ने जो है एप्लीकेशन लिखना सीखा है, और इसके लिए आप चाहें तो हमारा जो वीडियो दूसरे हैं वो देख सकते हैं, लेकिन उसको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल राजसमंद, फिर आपकी डेट आ जाएगी, आज की डेट को आपने लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल राजसमंद, सब्जेक्ट टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश, सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम गंगा मॉनिटर ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, आवर द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स ऑफ क्लास 9th इज इनकम्प्लीट, आवर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर नियर, यू आर रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन दिस सब्जेक्ट्स। ये ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि यू आर प्रकाश राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ पत्रिका एक्सप्रेसिंग यूर व्यूज़ ऑन पॉजिटिव थिंकिंग टू बी पब्लिश्ड इन द पेपर पत्रिका उदयपुर @gmail.com। तो इसको आपको स्वयं करना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसका आंसर भी आपको उपलब्ध करवाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि राइट ए स्टोरी इन 50 to 70 words यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। तो आपको इनको पढ़ के सुटेबल जो टाइटल देना है स्टोरी का, और स्टोरी का मोरल भी लिखना है। तो ये बी फॉल्स इनटू वाटर, ड्रोन्स, डव, फील्स, पिटी, लीप, सेव्ड, डव, अनवेयर, ग्रन, गोज ऑफ, फ्लाइज ऑफ, सेव्ड, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। तो ये जो स्टोरी है वो ए बी एंड डव वाली है, तो अपन लिख देंगे ए बी एंड डव, और इसका स्टोरी को इसके आधार पर पूरी स्टोरी आपको डेवलप करनी है। इसके अथवा दिया गया है ए डॉग हंगरी सर्चेस फूड, फाइंड्स बॉन, क्विट प्लेस, रिफ्लेक्शन वाटर, सीज एंड सीज अनदर डॉग, अदर बोन, बार्क, बोन फॉल्स, वाटर, सेड। तो ये आपके ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, तो आप ग्रीडी डॉग इसका टाइटल दे देंगे, और इन वर्ड्स के आधार पे आपको पूरी स्टोरी डेवलप करनी है, और इसका मोरल भी लिखना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है वो दिया गया राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल। तो माई स्कूल पर आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए,
तो आपको इसका भी आपको अभ्यास करना है कि किस प्रकार आप माई स्कूल पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में ए डॉग यानी ग्रीडी डॉग की आपको स्टोरी दी गई है, तो अपन देख लेते हैं कि ग्रीडी डॉग की स्टोरी अपन किस प्रकार लिख सकते हैं। तो ग्रीडी डॉग की स्टोरी इस प्रकार अपन रचना कर सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर ऊपर अपन टाइटल लगा देंगे ग्रीडी डॉग, फिर अपनी संक्षिप्त या छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में अपन स्टोरी लिखेंगे कि वंस देयर वाज ए डॉग, ही वाज वेरी हंग्री, ही गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, ही वाज क्रॉसिंग ए पुल, ही लुक्ड डाउन इन द वाटर, ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन, ही थॉट इट वाज अनदर डॉग विथ पीस ऑफ ब्रेड, ही वॉन्टेड टू गेट दैट पीस ऑल्सो, ही बार्कड एज सुन एज ही ओपन्ड हिज माउथ, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन इन टू द वाटर, ही वॉज वेरी सैड। और इसका मॉरल लिख देंगे ग्रीड इज कर्श। और इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपना आया है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल, और इसके अथवा में आया है COVID-19। तो COVID-19 के ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए आपको मेरा जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, उसको आप देखें। और आवर स्कूल पे कैसे लिखेंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो माई स्कूल या आवर स्कूल, तो माई स्कूल पे आप पैराग्राफ किस प्रकार लिखेंगे, तो अपन ने लिया है माई स्कूल, आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लदानी। आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लदानी। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल, आप कॉमन सेंटेंस लिखते जाएंगे। देर आर 10 रूम्स इन इट, छोटा सा सिंपल सेंटेंस बनाया, देर आर 10 रूम्स इन इट। देर इज़ एन ऑफिस आल्सो, छोटा वाक्य। देर आर 15 टीचर्स इन इट, आपके विद्यालय में जितने टीचर्स है वो आप लिख सकते हैं। मिस्टर इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल, यहाँ आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं। देर आर अबाउट 400 स्टूडेंट्स इन इट। देर इज अ वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब आल्सो, तो कंप्यूटर लैब के बारे में भी लिख सकते हैं। देर इज़ ए बिग प्ले ग्राउंड इन इट, इसमें बड़ा सा खेल मैदान है, ये भी आप लिख सकते हैं। देर इज़ ए किचन गार्डन आल्सो, किचन गार्डन है, ये भी आप लिख सकते हैं। देर आर सम बिग ट्रीज इन इट, इसमें कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन द इवनिंग, ये भी लिख सकते हैं। माई स्कूल इज़ ए गुड स्कूल और आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, तो इसके अलावा भी और कि आवर स्कूल रिजल्ट इज ऑलवेज गुड, इस तरह से आप ये जो है स्कूल के ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है अपने पेपर का सेक्शन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्ठक में दी गई क्रिया के सही रूप से आपको रिक्त स्थान भरना है। शी इन हर बेड नाउ, और स्लीप वर्ब देर की है, तो यहाँ नाउ जो शब्द है अपना टेंस बता रहा है, नाउ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एमर और आईएनजी आता है, इसलिए अपन इस रिक्त स्थान में भरेंगे इज स्लीपिंग। तो छठे के पहले में, सोलवे के पहले में आपको भरना है इज स्लीपिंग। दूसरा लुक देयर दे टुवर्ड्स अस, लुक देयर वहाँ देखो, तो ये लुक देयर ये शब्द जो है कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है, और कंटिन्यूअस टेंस में इज एमर और आईएनजी आता है, तो दे के साथ आर आ जाएगा और कम की आईएनजी फॉर कमिंग, तो लुक देयर दे आर कमिंग, तो यहाँ भरेंगे आर कमिंग। तीसरा द केटल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ है सिंस के बाद मॉर्निंग आया है, यानी फोर और सिंस के बाद समय आवे, तो वो आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव बीन और आईएनजी आता है, तो यहाँ केटल जो है प्लूरल है, इसलिए हैव आ जाएगा, बीन और ग्रेज की आईएनजी ग्रेजिंग, तो यहाँ अपन रिक्त स्थान में भरेंगे हैव बीन ग्रेजिंग। इसी तरह चौथा आई माई हेयर कट टुमारो, टुमारो जो है फ्यूचर टेंस को बताता है, और फ्यूचर टेंस में विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई के साथ शेल आ जाएगा और गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट, तो शेल गेट, इसमें रिक्त स्थान में भरेंगे अपन शेल गेट। अगला पांचवा क्वेश्चन ही ओफन टू द मूवीज, ओफन ओफन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, लेकिन चूंकि अपना सब्जेक्ट ही है इसलिए एस या ईएस लगेगा, तो गो का हो जाएगा गोस, तो यहाँ आपको गोस भरना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसमें सही वर्ब आपको भरनी है द पुअर मिजरेबल इज और आर दे रखा है, तो यहाँ द पुअर यानी गरीब लोग, तो ये बहुवचन के अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी वो इज और आर में से आपकी आर आएगी, तो द पुअर आर मिजरेबल। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गोट एन ऑरेंज हैज और हैव, तो यहाँ एवरी आने से ये जो सिंगुलर वर्ब हो गई है, और सिंगुलर वर्ब होने की वजह से यहाँ हैज वर्ब अपन भरेंगे तो हैज आएगा। नेक्स्ट वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ इज और आर, वॉकिंग जो है सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब के साथ इज आता है, इसलिए अपन लिखेंगे इज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इफ आई यू वाज और वर, तो यहाँ बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होगा, इफ आई वर यू, तो आई का जो प्रयोग हो रहा है
यू की वजह से यहाँ वर आएगा, तो इफ़ आई वर यू, तो यहाँ वाज और वर में से वर भरेंगे। द डम्ब नॉट स्पीक, डंड जो है बहुवचन के रूप में आया है और बहुवचन में डू और डज में से डू का प्रयोग होगा, तो डू भरेंगे यहाँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिटर्मिनर, सही डिटर्मिनर भरिए। वी स्टडी इन सेम स्कूल, ए एंड द और क्रॉस, तो यहाँ आएगा द, वी स्टडी इन द सेम स्कूल, तो सी भरेंगे पहले में। 18वें का दूसरा, माई फादर इज एम एल ए, तो ए एन द और क्रॉस, तो यहाँ एन एम एल ए आएगा, बी भरेंगे ए एन एन एम एल ए। देयर इज मिल्क इन द पॉट, फ्यू मैनी सम और क्रॉस, तो इसमें आएगा सम, सी भरेंगे सम। देयर इज मिल्क इन दिस टी, नो एनी नन, तो यहाँ नो आएगा, नो ए, चौथे में ए भरेंगे। 5वां, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड 4 ईयर्स, इच 4 ईयर्स या एवरी 4 ईयर्स, तो इसमें आएगा एवरी 4 ईयर्स, बी। राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही शब्द छांट कर भरिए। शीता डाइड कैंसर, डाइड तो डाइड के बाद किसी बीमारी से मरने के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो सीता डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ सी भरेंगे। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, घड़ी से समय बचाने के अर्थ में समय, घड़ी से समय बताने के अर्थ में बाई प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ भरेंगे ए। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ए भर देंगे। आई बोट दिस बुक 50 रुपीज़, बोट 4, बोट के बाद 4 आता है मूल्य बताने के लिए, बोट 4 आता है, तो यहाँ भरेंगे अपन सी 4। सी इज अफ्रेड थीव्स, और अफ्रेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो अफ्रेड ऑफ थीव्स, सी भरेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 19 का 5वां, आई नो सीता इज फॉन्ड स्वीट्स, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, तो ऑफ भरेंगे इसमें बी सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 19। अब लेते हैं सेक्शन डी और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, तो इसका उत्तर देख लेते हैं अपन। तो 20वें के पहले का उत्तर हो जाएगा द पशुपतिनाथ टेम्पल और द बुद्धनाथ टेम्पल, तो दो मंदिर को लेखक ने विजिट किया था, तो पहला तो हो जाएगा द पशुपतिनाथ टेम्पल और दूसरा हो जाएगा द बुद्धनाथ टेम्पल। 20वें का दूसरा, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ द ऑथर्स वाइफ टू सी द बेबी बियर, द बॉन्ड ऑफ लव में से आया है, तो इसका आंसर अपने लिखा है कि बेबी बियर को देखकर लेखक की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी, तो सी बिकेम वेरी हैप्पी, शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबिन अराउंड इट्स नेक एंड शी नेम्ड इट एज ब्रूनो, तो शी बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तुरंत उसके गले में एक रंगीन रिबन लगा दिया और शी नेम्ड इट एज ब्रूनो, और उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 लाइन्स अबाउट कलाम्स लाइफ, अब्दुल कलाम्स लाइफ, अब्दुल कलाम्स के जीवन के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी है, तो ये भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है अपन ने कि अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, पहली लाइन अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। दूसरी लाइन, हिज फादर नेम वाज जैनुलाब्दीन एंड मदर्स नेम वाज आशियम्मा, ही लिव्ड इन ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, कलाम हैड वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, तो इस तरह से ये अपन 4-5 लाइनें इसके बारे में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 20वें का चौथा, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, द फन द हेड में से आया है, तो वो पुराने टीचर्स को किस प्रकार डिस्क्राइब करता है, तो इसका आंसर आया है कि द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स आर मेन, कि पुराने जो टीचर्स थे वो व्यक्ति होते थे। दे गेव द बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क, वो लड़के और लड़कियों को होमवर्क देते थे। दे आस्क देम क्वेश्चंस, वे उनको प्रश्न पूछते थे। स्टूडेंट्स आल्सो डिस्कस्ड विद देम, और स्टूडेंट्स भी उनके साथ डिस्कस करते थे, वार्तालाप करते थे वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर। द टीचर्स वर स्मार्ट आल्सो, और वो जो टीचर थे वो बड़े चतुर थे, चालाक थे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 20वें का 5वां देख लेते हैं। 20वें का जो 5वां क्वेश्चन वो दिया गया है, वॉट इज हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी उसके सापेक्षता का सिद्धांत क्या था, तो इसका आंसर अपन ने लिखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी समय और दूरी जो है वो अलग नहीं है। टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मास एंड एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध बताने के लिए, डेरिव्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, तो उन्होंने विश्व का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला सूत्र निकलाया था, और उस सूत्र का जो सूत्र था वो यह था E=MC², तो ये इसका 5वें का उत्तर है। 20वें का छठा प्रश्न है, वाई डिड केजिया फियर फ्रॉम हर फादर सो मच, केजिया अपने पिताजी से इतना क्यों डरती थी, द लिटिल गर्ल में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा
कि केजिया फियर्ड फ्रॉम हर फादर, कि केजिया अपने पिताजी से डरती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिडंट नो हर फादर्स नेचर, क्योंकि वह अपने पिताजी के स्वभाव से परिचित नहीं थी। हर फादर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट हर टू बिहेव प्रॉपरली, और उसके पिताजी हमेशा उसको ढंग से व्यवहार करने के लिए कहते थे। केजिया बिगेन टू, और केजिया शुरू कर देती थी, बिगेन टू स्टटर बिफोर हिम, और इसलिए केजिया उसके पिताजी के सामने हकलाने लगती थी। हर फादर गोट एनॉयड, और इसके उसके पिताजी नाराज़ हो जाते थे। केजिया थॉट दैट हर फादर वाज ए स्ट्रिक्ट एंड फियरफुल पर्सन, और इसलिए केजिया सोचती थी कि उसके पिताजी एक सख्त और भयानक या डरावने व्यक्ति है। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 का जो प्रश्न है वो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, वाई वाज द पोइट सेड, कभी दुखी क्यों था, द रोड नॉट टेकन में से आया है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि द पोइट वाज सेड, कभी दुखी था बिकॉज, क्योंकि ही वाज द ओनली वन पर्सन, क्योंकि वह तो मात्र एक व्यक्ति था, एंड ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स एट द टाइम, और इसलिए वह दोनों सड़क पर एक ही समय में वह नहीं चल सकता था, क्योंकि वह तो एक था और सड़क उसके सामने दो थी, तो वह दो सड़कों पर कैसे चले, इस बात को सोचकर वह दुखी था। क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा, वो इज़ द राइटर ऑफ द पोइम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, इस कविता के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है नो मैन आर फॉरेन, उसके लेखक है जेम्स किरकप, तो 21 के दूसरे का उत्तर हो जाएगा जेम्स किरकप। 21 का तीसरा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया लिखिए, केंद्रीय भाव लिखिए, तो रेन ऑन द रूफ जो है उस पोइम का सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव जो है वो यह है कि वी शुड एन्जॉय रेन एंड म्यूजिक ऑफ नेचर, कि हमें बरसात और प्रकृति के संगीत का आनंद लेना चाहिए। वन हु हैज़ ड्रीमी फैंसीज, और वह व्यक्ति जिसमें स्वप्निल कल्पनाएं होती है, एंड स्वीट ईयर्स, और जिसके मधुर कान होते हैं, कैन एन्जॉय, वही आनंद ले सकता है द इको और रेफरेंस, जो मधुर गूंज होती है उसका आनंद वही व्यक्ति ले सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो में से लिया गया है, कि विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में कौन से जानवर का वर्णन किया गया है, तो टोटो ए प्रिटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उसका वर्णन किया गया है इन द स्टोरी, इस कहानी में, इस कहानी में टोटो नाम के एक सुंदर बंदर का वर्णन किया गया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो वाज ईश्वरन इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में ईश्वरन कौन था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उस कहानी में से ये पार्ट प्रश्न आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द ईश्वरन वाज एन एक्सीलेंट कुक, ईश्वरन एक जो है बड़ा होशियार रसोईया था, वो कुड प्रिपेयर, जो बना सकता था ए डिलीशियस मील, स्वादिष्ट खाना, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, ही यूज टू रीड तमिल थ्रिलर्स, और वह तमिल की रोमांचक कहानियां पढ़ा करता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द ऑथर्स मदर डू, यानी लेखक की माँ क्या करती थी, व्हेन द हाउस वाज ऑन द फायर, जब मकान में आग लग गई तो लेखक की माँ ने क्या किया, ए हाउस इज नॉट ए होम, इस लेसन में से एक क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर्स मदर रेन आउट ऑफ विथ ए स्मॉल मेटल बॉक्स, तो लेखक की माँ रेन आउट बाहर दौड़कर आई विथ ए स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटी सी धातु की पेटी के साथ, विच कंटेंट, जिसमें थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण कागजात, तो जब मकान में आग लग गई तो लेखक की माँ एक धातु की पेटी के साथ बाहर आई जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे। शी रेन बैक इन टू द हाउस, और वह घर में वापस दौड़ कर गई टू गेट द पिक्चर्स, उन तस्वीरों को लेने के लिए, एंड द लेटर्स, उन पत्र को लेने के लिए गई ऑफ हर डेड हस्बैंड, जो उसके मृत पति से संबंधित थे, उन तस्वीरों और पत्रों को लेने के लिए वह वापस घर के अंदर गई थी। तो ये था 21वें का 6। अब देख लेते हैं 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है उसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस टेल्स, यानी जो हैप्पी प्रिंस जो कहानी वो हमें बताती है, दैट की कीपिंग आवर आइज शट, हमारी आंखें बंद रखना, टू अदर्स मिजरी, दूसरे के दुखों पर, इज नॉट हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता नहीं है, यानी दूसरों के दुखों पर हमारी आंखें बंद रखना वो प्रसन्नता नहीं है। रियल हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स, वास्तविक जो प्रसन्नता है लाइज यानी रहती है इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में, बाय मीन्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग, त्याग करने में, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव, हमारे पास जो कुछ भी है उस सबको त्याग करते हुए दूसरों की भलाई करने में ही प्रसन्नता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, 22 का दूसरा है, हाउ डिड बर्मन सेक्रीफाइस हिज लाइफ द लास्ट स्लीप, इसमें से आया है, यानी बर्मन ने अपने जीवन का त्याग किसे किया, जीवन का समर्पण किसे किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बर्मन वाज एन ओल्ड पेंटर, बर्मन जो था एक प्राचीन
पेंटर था, चित्रकार था, ही हर्ड और उसने ये सुना था अबाउट जोनसीज स्ट्रेंज बिलीफ, जोनसी की अजीब विश्वास के बारे में सुना था, डेट की शी वुड डाई, वह मर जाएगी विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, कि जो अंतिम पत्ती जैसे ही गिरेगी वह उसकी मृत्यु हो जाएगी, फ्रॉम द आईवी क्रीपर, आईवी की बेल की जैसे ही अंतिम पत्ती नीचे गिरेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्मन डिसाइडेड टू सेव हर लाइफ, इसलिए बर्मन ने उसके जीवन को बचाने का निश्चय किया बाय पेंटिंग, चित्र बनाकर हिज मास्टरपीस, अपनी मुख्य कलाकृति, तो उन्होंने अपनी मास्टरपीस यानी मुख्य विख्यात कृति का चित्र बनाकर उसके जीवन को बचाने का फैसला किया। ही पेंटेड द लीफ और उन्होंने पत्ती का चित्र बनाया, ड्यू टू बेड वेदर और ख़राब मौसम की वजह से, ही कोल्ड द कोल्ड, उनको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, एंड ही डाइप ऑफ न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो यह था क्वेश्चन नंबर 22। तो इस प्रकार इस पेपर के अपन ने सभी प्रश्नों को हल किया है, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई शंका लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जो उत्तर पुस्तिका जाँच है उसमें इसकी मदद मिले। अगर किसी उत्तर के प्रश्न के उत्तर में कोई विरोधाभास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।